आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आधार कार्ड में नाम करेक्शन करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले इस पेज पे आना होगा। यहाँ आके लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ ये कैप्चा फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ओटीपी डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। हमें नेम करेक्शन करना है तो हम यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपडेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे या प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी करेक्शन करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें नाम करेक्शन करना है तो हम नेम के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड टू अपडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपका करंट में नाम आ जाएगा, अभी क्या नाम है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ न्यू नेम पे क्लिक करेंगे, आप नया क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ डालेंगे और डाल करके नीचे सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ चूज करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हम यहाँ जो है नाम ले लिए हैं, आलोका देवी लिख लिए हैं। उसके बाद जैसे कि हम मुझे वोटर आई डी कार्ड अपलोड करना है तो हम वोटर आई डी कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। अब अपलोड करना है तो व्यू एन डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो फाइल में रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक बार यहाँ दोबारा मिला लेंगे, मिलाने के बाद दोनों को टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, यहाँ इसको टिक करेंगे और मेक पेमेंट के ऊपर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट पेज में लाके छोड़ेगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम यूपीआई से करेंगे। यूपीआई सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से फोन पे करेंगे और फोन पे यहाँ अपना यूपीआई आईडी डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई होने के बाद आपका यहाँ नाम हो जाए, नाम लिख के आएगा और यहाँ वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना फोन पे ऐप को ओपन करेंगे, वहाँ एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये पेमेंट को वहां से सक्सेसफुल करेंगे तो यहाँ भी सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पेमेंट कर दिया है। उसके बाद मुझे एक्नोलेजमेंट डाउनलोड करना है तो हम यहाँ डाउनलोड एक्नोलेजमेंट स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्नोलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे या अपने पास अगर है तो पीडीएफ में सेव करके इसको रख लेंगे। यही एसआरएन नंबर को हम यहाँ कॉपी करेंगे, कॉपी करके रख लेंगे। उसके बाद में आप इसी से अपना स्टेटस चेक ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ डैशबोर्ड पे आएंगे फिर से और स्टेटस ट्रैक करने के लिए आप नीचे आएंगे। यहाँ से देखिए आपका ये सर्विस, अभी हम इसको ये किए हैं, अप्लाई किए हैं तो ये अभी वैलिडेशन स्टेज पे है, आगे ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है, ये 24 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।